हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो पे मैंने ये ग्रीनिश मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ये कोई भी लोशन, यानी कि आप कोई भी लोशन ले सकते हो, मॉइस्चराइज़र। एंड आपको मेकअप से पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो भी स्किन है वो मेकअप से अफेक्टेड ना हो एंड आपका जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा एंड आपका जो फाउंडेशन है वो भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। प्राइमर कोई भी मेकअप से पहले लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी आपका जो मेकअप है एंड जो स्किन है उसके बीच में एक बैरियर बनाता है, जो मेकअप है उससे आपके स्किन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपने लिप्स के लिए ये मेबलिन का लिप बाम लिया है एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिट मी का फाउंडेशन, जो कि थोड़ा वाटरी है बट ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। एंड यहाँ पे मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं पहले उसको थोड़ा सा मैंने भिगो लिया है एंड देन उसको अच्छे से जो पानी है उसको निकाल लिया है एंड देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मतलब आपको हमेशा ब्लेंडिंग से पहले अपना जो स्पंज है उसको अच्छे से पानी में भिगो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसीलर लगा रही हूँ ताकि जो भी फेस में ब्लैक स्पॉट्स है, वैसे मेरे मतलब अंडर आइज़ पे थोड़ा बहुत है, ऐसे कहीं और है नहीं, लेकिन अगर आपका है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फेस में कुछ ज़्यादा ही स्पॉट्स है तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मी का कॉम्पैक्ट लिया है एंड यहाँ मैं इसको डैबिंग मोशन पे वही ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से लगा रही हूँ, ताकि मेरा जो भी फाउंडेशन जो भी मैंने लगाया है वो मतलब अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हिलेरी ओडा का, ये आप देख रहे हो, ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें से ट्रांजिशन के लिए मैं एक लाइट शेड चूज़ कर लिया है एंड वो है ये मस्टर्ड येलो एंड इसको मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से अच्छे से अपना जो ट्रांजिशन है एंड वहाँ पे मैं इसको एक फ्लफ़ी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने आई मेकअप पे ब्लेंडिंग नहीं किया तो आपका जो आई मेकअप का फिनिशिंग है वो बिल्कुल नहीं आएगा एंड बहुत ही पैची सा वो दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये जो लाइट ग्रीन शेड है, नॉट लाइट ग्रीन, ये एक ओशन ग्रीन है, इसको मैं अपने क्रीज पे लगा रही हूँ। आपको जो आउटर वी एरिया है उसके शेप वी शेप में आपको जो कलर है उसको पहले लगाना है एंड देन आपको उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ताकि उस पर कोई भी हार्श लाइन ना हो एंड वो बिल्कुल नेचुरल दिखे। ब्लेंडिंग आपको बहुत ही अच्छे से टाइम लेके करना है, थोड़ा पेशेंस लेके करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग के बिना आई मेकअप कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे ये जो फ्लफ़ी ब्रश है इससे मैं जो अपना क्रीज है एंड जो ट्रांजिशन का जो लाइन है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ने
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया ये थोड़ा सा और डीप ग्रीन। आपको जब आप आई मेकअप करोगे ना तो आपको मतलब लाइट से डीप आपको आना है। ट्रांजिशन पे पहले आपको लाइट देना है एंड जो क्रीज है उस पे उससे थोड़ा डीप, एंड जो आई लीड है उस पे आपको सबसे डार्क वाला जो कलर है वो देना है। तो यहाँ मैंने ये डीप ग्रीन कलर ले लिया है एंड मतलब मुझे लगता है कि आप अपने फिंगर से ही अपना जो आई लीड है उस पे कलर अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ब्रश के हेल्प से उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। एंड देन मैंने यहाँ पे कलर को डैबिंग मोशन पे करते हुए एंड फिर मैंने यहाँ पे ये फ्लफी ब्रश से जो हार्श लाइन है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल नेचुरल दिखे। मैंने यहाँ पे जो वो मस्टर्ड येलो था जो मैंने फर्स्ट लिया था फॉर माय ट्रांजिशन कलर उसको मैंने फिर से लिया है एंड फिर से मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कलर को लगा लिया, क्योंकि मुझे ना वो ट्रांजिशन का कलर ज़्यादा ही लाइट लग रहा था तो इसलिए मैंने फिर से उसको करा। एंड फिर मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से जो ग्रीन शेड है उसको मैंने अपने लोअर लैशेस लाइन पे लगाया कुछ इस तरीके से एंड मैंने उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे ये आइकॉनिक का जो ग्रीन कलर का काजल है वो मैंने यहाँ पे लगाया है एंड ये बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ काजल है एंड अगर आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही पिगमेंटेड कलर है एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैंने ऑफ कैमरा ही ये फॉल्स लैशेस लगा लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगा सकते हो। एंड यहाँ मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा बहुत फिल कर लिया है एंड यहाँ मैंने ग्लिटरी आई शेडो थोड़ा सा लगाया क्योंकि ये पार्टी लुक है एंड मैं चाहती थी कि ये थोड़ा शाइन करे, मेकअप थोड़ा ग्लोई दिखे। फिर मैंने लाइनर को थोड़ा विंक लाइनर लगाया क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा विंक लाइनर मैं लगाऊँ ताकि ये अच्छा दिखे। ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगा सकते हो, आप नॉर्मल सा लाइनर भी लगा सकते हो। एंड फिर मैं यहाँ मेबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ ताकि जो मेरा फॉल्स लैशेस है एंड जो मेरा खुद का है ओरिजिनल जो है वो बिल्कुल सेम दिखे। फिर मैंने यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड का जो मेरा आई शेडो पैलेट है उसमें से मैंने ये लाइट ब्राउन कलर लिया है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से मैंने लिया है एंड फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्टोर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये मालियों का ये ब्लशर लगा रही हूँ थोड़ा पिंकिश टोन पे एंड ये एक फ्लफी ब्रश है जिसके हेल्प से मैं लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है एंड इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ एंड जो मेरा आईब्रोज़ है जो आई बोन है उस पे मैं लगा रही हूँ ताकि मेरा जो आई मेकअप है वो और भी पॉपअप होके दिखे।
तो मैं यहाँ पे ये मार्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँ ताकि मेरा पूरा जो मेकअप है बिल्कुल सेट हो जाए। एंड फिर मैं यहाँ पे एलिगेंस का ये ब्लू हेवन लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मेरा आई मेकअप हैवी है, दैट्स वाई मैं थोड़ा लाइट कलर लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये मतलब अभी लग रहा है डीप, बट जब जब ये यू नो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। एंड सो या, तो ये है मेरा आज का फिनिश लुक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया है। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा।